कोविड-19 के चलते ग्राम सभा न होने के चलते अब पंचायत की आम सभा से भी वृद्धा, अपंगता और विधवा पेंशन के प्रस्ताव विभाग को भेजे जा सकेंगे। बीपीएल में शामिल होने के बावजूद जो लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बीपीएल श्रेणी में अब कम इनकम और वार्षिक आय 35,000 को भी शामिल किया जाएगा। यही नहीं, तहसील कल्याण अधिकारी को क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। वहीं ARO के रिक्त पद को भरने के लिए विचार किया जाएगा। ये बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला में विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सरवीण चौधरी ने बताया कि विभाग की ओर से जिला में एक साल में वेलफेयर कार्यों पर 90 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। सरवीण चौधरी ने कहा कि जिला कांगड़ा में 1.22 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, जिनमें से 60,053 पेंशन धारक 70 वर्ष की आयु के यानी सीनियर सिटीजन हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में मशीनों के लिए काफी पैसा है, ऐसे में विभाग के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के लिए यदि बजट की जरूरत होगी तो मशीनों के पैसे को वहां खर्च किया जा सकता है। सरवीण ने कहा कि पूर्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहते हुए उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया था। यही नहीं, जिन माता पिता के बच्चे देखभाल नहीं करते उनके लिए प्रपोजल दिया था, जिसके तहत माता पिता भरण पोषण अधिनियम को प्रदेश में अपनाया गया था। अब केंद्र सरकार भी इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। जिला कांगड़ा में हमारे इस साल में 90 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है वेलफेयर की स्कीम्स के ऊपर खर्च हुआ है। आपने देखा कि इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं इस सरकार की आपसे कहना चाहूँगी कि मकानों के लिए 1,30,000 मिलता था, हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उसको बढ़ाकर 20,000 उसमें ऐड किया और अब ये राशि जो है 1,50,000 ये हमारे अप्रैल से जो है उसको देना शुरू हुए हैं। और इसी तरह से जो पेंशन, आपको पता है कि पेंशन इस सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर लगाई और उसमें 1,300 रुपये थे, फिर उसको बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया और घर में अगर 2 व्यक्ति हैं तो 3,000 रुपये जो है उनको सीनियर सिटीजन को पेंशन जो है वो दी जा रही है। और विडो पेंशन जो है वो 850 रुपये मिलती थी, उसको भी सरकार ने जो है उसको भी अप्रैल में बढ़ाकर जो 1,000 रुपये उसको भी किया, ताकि विडोज़ को और सीनियर सिटीजन्स को, सब लोगों को उस पेंशन का फ़ायदा जो है वो मिल सके। तो अब तक जो मुझे लगता है कि 1,00,000 से ज़्यादा पेंशन जो हैं, 1,22,000 जो हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत उनको लाया गया है और उसमें से 60,053 लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री जी ने जो 70 वर्ष की आयु सीनियर सिटीजन को की, जिला कांगड़ा में इतने लोगों को 60,000 से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिला है। और मुझे लगता है सरकार की ये सीनियर सिटीजन को बिना किसी आय के ये जो सम्मान देने की बात है, एक मील का पत्थर है और उसमें लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी जो है जो 1,300 से 1,500 भी की गई है। और बीपीएल डिपेंड करता है पंचायत के ऊपर, पंचायत प्रधान ने किसी को बीपीएल में नहीं रखा, गरीब को, किसी ठीक ठाक व्यक्ति को रख लिया तो जो गरीब है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैं इस बात को कैरी करूंगी आने वाले दिनों में कि इसमें बीपीएल के साथ साथ लो इनकम या 35,000 की इनकम को भी इंक्लूड किया जा सके, ताकि अगर प्रधान ने किसी को बीपीएल में नहीं रखा है तो जो गरीब है वो उसका फ़ायदा सीधा सीधा ले सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक नई योजना प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जो शुरू की थी, आज जिसमें इनिशियली 5,000 और फिर स्लैब्स के बीच में जो है 2 साल तक जो है बच्चों को न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो बेनिफिट दिए जाते हैं, उसका भी प्रदेश में बहुत बड़े नंबर पर जो है जो हमारी महिलाएं हैं जिनका पहला बेबी है और न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो है ये केंद्र की मोदी सरकार ने इस स्कीम को आगे रखा है। बिल्कुल बहुत मांग थी, जिस दिन मैंने ये विभाग लिया तो उसी दिन सभी TW मेरे पास आए जिला के, उनकी ये मांग थी कि हमको हमारा राजपत्र अधिकारी का दर्जा जो है वो हमको दिया जाए। तो उनको मैंने उस फाइल को किया है, उसमें क्लास 2 गजटेड जो है अब वो होंगे, उसको हमने दे दिया है। सभी TW जो है इससे वंचित थे, विभाग में बाकी लोगों को मिल रहा था, TW इनसे वंचित थे और उनको क्लास 2 गजटेड का दर्जा जो है अभी अभी उसको हमने जो है वो किया है। रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट थी
और ये मेरे ध्यान में विभाग आने से पहले भी यहाँ के DW और बाकी उन्होंने कहा था कि काम बहुत ज़्यादा है और ज़िला बहुत बड़ा है। तो ये किन्हीं कारणों से पोस्ट कांगड़ा की थी, पर किसी व्यक्ति विशेष को कभी बेनिफिट देना होता है तो वो पोस्ट ही शिफ्ट करवा लेते हैं, वो शिमला ले गए और यहाँ ARO का पोस्ट खाली चल रहा था काफ़ी दिनों से। और मैंने इसमें सहज रूप से एक पत्र जो है उस समय हमारे सैजल जी जो मंत्री थे उनको मैंने लिखा, और अभी मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, उन्होंने वो पत्र फिर पुनः मेरे को ही लिख के भेजा है ARO के लिए। तो निश्चित रूप से ARO की पोस्ट के लिए भी विचार किया जाएगा जब मेरी स्टेट की बैठक होगी, उसमें इस बात को लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है ARO की पोस्ट की, काम ज़्यादा है। दो व्यक्ति जो कहाँ कहाँ पूरे ज़िले में जाएं, बड़ा एरिया है, तो ARO की पोस्ट के लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगी, जो ज़रूरत है विभाग की।